इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां क्लस्टर बस डिपो के कंडक्टर हड़ताल पर पहुंच गए हैं और दिल्ली का चक्का जाम हो गया है, पहिए रुक गए हैं। कंडक्टर्स का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस दिए नौकरी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। मामला दिल्ली के दिलशाद गार्डन और नई सीमापुरी का है, जहां अचानक से सैकड़ों कंडक्टर्स की एक भीड़ जमा हो गई और धरने पर बैठ गई। क्लस्टर बसों का चक्का जाम हो गया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलफाम ग्राउंड जीरो पर मौजूद नजर आए, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। आज हम दिल्ली की एक ऐसी खबर से रूबरू कराने आपको जा रहे हैं, जिसको सुनकर शायद आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 डिपो क्लस्टर डिपो बंद करे जा रहे हैं, जिसमें लगभग लाखों लोग बेरोजगार होने की कागार पर आ चुके हैं, जिसको लेकर चिंतित होते हुए यहाँ पर कुछ ड्राइवर और कुछ बस कंडक्टर धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो क्लस्टर बस हैं जो आज यहाँ पर एक तरह से चक्का जाम होकर यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो बस के परिचालक हैं और चालक हैं जो इन बस को चलाते हैं, लेकिन इनको जैसे ही 19 तारीख का अल्टीमेट दिया गया है कि 19 तारीख को आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही इनकी ATM मशीन को भी बंद कर दिया गया है और 19 तारीख तक मैनुअल तरीके से ये टिकट को काटेंगे, लेकिन आज ही ये यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि लाखों लोग अगर बेरोजगार होंगे तो उनके लिए दिल्ली सरकार ने कौन से विकल्प लागू किए हैं और कौन से विकल्प इनको दिए हैं। आइए हम आपको सीधा उन परिचालकों के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है और पूरी टोटल क्या परेशानी यहाँ पर फेस कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा स्वाधीन पवार। सर यहाँ किस तरीके की ये जो आपने स्ट्राइक की है, इसके पीछे का क्या कारण है? सर कारण ये है, हमें पहले बताया नहीं गया, 2-3 महीने पहले एक नोटिस होता है कि आप हटा दिए जा रहे हो, वो भी नोटिस नहीं दिया गया हमें मैनुअली तरीके से, जिस पे हम कोई कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। सभी कोई ना कोई जिसके पास थाने कचहरी में जाएंगे, सबूत मांगेगा, उसने बगैर एकदम आए बोले कि आपकी 19 तारीख तक डिपो है और आप उसके बाद हाथ जोड़ के आप जा सकते हैं। हमने कहा ये तो गलत बात है, कोई नोटिस, उसके बाद जैसे ही कोई नोटिस मांग रहा है या बोल रहा है उसे नो ड्यूटी कर रहे हैं। करीबन 10-15 के साथ ऐसा हुआ, हमने बहुत दुखी होके, हमने इन्होंने हमें टाइम भी दिया, हमने इस पर विश्वास भी जताया, उन्होंने 4-5 बार हमें धोखा दिया। उसके बाद थक हार के हमने अपनी स्ट्राइक करी, हमने बस रोकी, बस रोकने के बाद आप सभी के सामने हम यहाँ मौजूद हैं। हम जब तक अनिश्चितकाल तक रहेंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता, और ये फैसला सिर्फ गहलोत साहब के हाथ में, उन्होंने ही ये फैसला लिया है। प्राइवेट बसों में DTC का कंडक्टर का क्या मतलब है, और 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे पे उनसे लेट पे चक्कर लगवाया जाता है, वो रोज़ चिल्लाते हैं, रोज़ दिल्ली की जनसंख्या में से एक कम जरूर होता है, कोई ना कोई मरता है, मगर साहब को कुछ नहीं दिख रहा। साहब जेल में है तो कहते हैं मैं सबके काम करके चला गया, ऐसे काम करके जा रहे हैं। गहलोत साहब है वो हमारी सुनते नहीं, हम ट्यूट कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, सब दे दी। क्या है सर, हम गरीब आदमी, गरीब को इंसाफ बड़ा महंगा मिलता है, तब मिलता है जब उसे मरे भी सालों हो जाते हैं। शायद हमें लग रहा हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर भगवान भरोसे है और आप सभी के, जनता के भरोसे, वो सुनेगी हमारी बात, देखेगी। आज कितने लोग बेरोजगार होने करीबन सर 7 डिपो हैं, 7 डिपो के लमसम 1-1.5 लाख कर्मचारी है, जिसमें झाड़ू पोछे वाले से लेके कंडक्टर, ड्राइवर, चेकर, DM, मार्शल, वो क्या नाम है, गेट कीपर, गार्ड, बहुत है सर, बहुत है। एक बस से कम 50-60 आदमियों का रोजगार होता है एक बस से। सर बहुत दुखी है सर इस चीज़ के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये उन परिचालकों का दर्द है जो DTC डिपार्टमेंट का एक क्लस्टर बस होती है, उन बसों को बस भी बंद की जा रही है क्या? जी सर। अच्छा जी, बस बंद की जा रही है। बात यह है कि कुछ बसें 15-12 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो बस क्या है, रोड से हटाना चाहते हैं, वो नहीं लाना चाहते हैं। नहीं लाने में क्या कर रहे हैं सर, 2 बसें चलती है हमेशा हर स्टेट में, एक प्राइवेट एक सरकारी। प्राइवेट में तो प्राइवेट वाले ही लगेंगे ना, उनमें सरकारी का मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार ने इतना फ्री दे दिया, इतना फ्री बिजली पानी कर दिया है कि उनके पास
हमारे आवाम के लिए खर्चे के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे को लड़कों के लिए कोई रोजगार नहीं है, इनके पास लेडीज फ्री इसलिए कर दिया, इन्हें वोट बैंक का मुद्दा बनाना है सर, वो मुद्दे के लिए हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, नई बसें आए हमें रख ले, हमें कोई इच्छुक नहीं है हम ये धरना देने के, मगर क्या कर रहे हैं प्राइवेट बस डीटीसी का कंडक्टर, और सबसे बड़ी बात है जो डीटीसी में ड्राइवर लग चुका है उसे रिजाइन दिलाया गया जबरदस्ती, फिर उसे भर्ती करा गया, उसी सीट पे उठाया फिर उसी सीट पे भर्ती किया, सिर्फ एक कागज बदला है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा असूल है, ऐसे फैसले हैं जिससे लोग बर्बाद हो रहे हैं। पहले मार्शल हुए, फिर ये देख लीजिए आप मोहल्ले में कितने ठेके खुल रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट के कारनामे देख सकते हैं। नहीं, डीटीसी को लेकर हम बात करेंगे, मुद्दे बहुत होते हैं, डीटीसी को लेकर हम बात करेंगे कि ये जो बसें जो बंद कर दी गई हैं इसमें तकरीबन आप बता रहे हैं 60 डिपो एक साथ बंद हुए हैं, हाँ जी, और जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये जो लोग थे ये डीटीसी डिपार्टमेंट में थे या किसी कंपनी में थे? सर ये क्या है, गवर्नमेंट क्या इन्होंने सेमी प्राइवेट कंपनी बना रखी है, डिम्स सीधा डायरेक्ट नहीं लेती, थर्ड पार्टी को काम देती है, थर्ड पार्टी है पैराग्रीन हमारी, तो उन्होंने ही कुछ ने ड्राइवर भर्ती कर रखे, कुछ ने ये सीधा डायरेक्ट नहीं लेती क्योंकि परमानेंट करना पड़ जाता है, तो कुछ ने ड्राइवर कुछ ने कंडक्टर ले रखे हैं क्योंकि इन्हें निकालना फिर आसान हो जाता है। थर्ड पार्टी बोलेगी हमें फर्स्ट पार्टी ने हमें मना कर दिया, सेकंड ने, सेकंड बोलेगी फर्स्ट ने कर दिया, फर्स्ट बोलेगी गवर्नमेंट ने, आदमी थक हार हार के फिर परेशान होकर बैठ जाता है कि बहुत लंबी है, एक से एक लोग मिले हुए हैं, तो गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा सर। यानी कि मजदूर को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। जी सर, जी सर। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार का डीटीसी डिपार्टमेंट, जिसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री गहलोत साहब हैं, और आज ये वो परिचालक हैं जो अपना दर्द हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, और इसमें एक चक्रव्यूह किस तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कि दिल्ली सरकार एक ड्रिम्स कंपनी को हायर करती है और ड्रिम्स कंपनी पैराग्रीन को हायर करती है, और तब पैराग्रीन यहाँ पर चालक और परिचालकों को नौकरी पर रखती है, और जब इनको निकालने की बारी आती है तो कोई भी कंपनी इसका जिम्मेदारी नहीं लेती, और ये जो 1.5 लाख लोग जो बेरोजगार होने की कागार पे है, इनके लिए अभी तक किसी ने कोई आश्वासन दिया है? नहीं सर, नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत से हमारे बीच में लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह नाम है हमारा। भूपिंदर जी, ये जो डीटीसी का मामला चल रहा है क्लस्टर बसों का, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि पूरा क्या क्या है पूरी कहानी? ये देखिए, डीम्स कंपनी है जी, ये डीटीसी की सहयोगी कंपनी है जो दिल्ली सरकार के अधीन में आती है जी, और ये संवाहक वगैरह हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, ठीक है, इनको हायर किए हैं अलग कंपनी से, ये डीम्स कंपनी ऑपरेशन देखती है। अच्छा, ठीक है जी। तो सबसे पहले निकालने का प्रोसेस हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, डीम से हम लोगों को नोटिस दिया गया, वो भी चुनाव, दिल्ली चुनाव में 2 दिन के पहले, जिस दिन गश्तर थी, गश्तर दिन कोई ऑफिसर कुर्सी पे नहीं होता है, उस दिन हम लोगों को अचानक बुला करके यहाँ लेटर पर दिया गया सबको कि आप लोग 19 जून के बाद अपना दूसरा जॉब तलाश कर लीजिए। हम लोग इस सब मामले को लेकर उस समय ये ऐसी अवस्था थी कि कहीं भी खड़े नहीं हो सकते थे, चुनाव की वजह से चुनाव आचार संहिता में धारा 144 लगा था। हम लोग, अब हमारा मुख्यालय है शास्त्री पार्क, वहाँ हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए, वहाँ से हम लोग अधिकारियों से बात करना चाह रहे थे, बहुत मुश्किल से जो है SHO के माध्यम से, मध्यस्थता से, और हमारा 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था जो है वहाँ, उनसे वार्ता की, जिसमें हमारे किनसे वार्ता किया, हमारे कंपनी के MD साहब थे, कौन थे, क्या नाम था, राकेश जैन जी थे, और ABB RT अजय जी थे, और HR जो है मुदगल जी थे। तो क्या निर्णय? उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन का समय दे दीजिए, बड़ा अच्छा अनुकूल परिणाम रहेगा। ये 2-3 दिन करते करते जो है आज, ये समझ लीजिए 26 तारीख से आज 7 तारीख हो गई है, 8 तारीख, ये खाली 19 तारीख तक लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई भी सकारात्मक उत्तर कोई भी आज तक नहीं मिला, कोई भी कहीं से, खाली बस रुक जाओ, मंत्री जी से वार्ता चल रही है, मंत्री जी के पास फाइल जा रही है, ना तो कोई फाइल जा रही है, कहाँ जा रही है, मतलब कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बताया जा, कुछ नहीं, बस खाली मौखिक बताया जा रहा है।
और हमको नहीं, ये सारे एम्प्लॉई हम बेरोजगार नहीं हो रहे हैं 14-15 साल से, ठीक है। इस मोड़ पे लोग खड़े हैं ना कि कहीं कहीं बेचारे कहाँ जाएंगे, जो है लोगों के पास इतनी समस्याएं हो गई हैं कि बताइए। आज की डेट में सरकार दावा करती है, हमारी दिल्ली सरकार दावा करती है कि हम रोजगार सबसे ज़्यादा पंजाब में दे दिए, यहाँ दे दिए, दिल्ली में इतना रोजगार पैदा कर दिए, ठीक है। सैलरी बताइए 14-15 हज़ार 16 हज़ार ऐसे सैलरी होगी 17 हज़ार। अच्छा, सैलरी का मामला मैंने सुना है कि सैलरी का भी कुछ बीच में कट हो जाता है, कुछ इस तरीके से कि कम डीटीसी की तरफ से कुछ और आता है, आप तक कुछ और पोस्ट आए, क्या ये भी मामला है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये जो वेतन मान निर्धारित किया गया है दिल्ली में, ये सभी प्रदेशों सबसे ज़्यादा है, उस आधार पर इनको नहीं मिलता। इनको क्या मिलता है, इनको शायद सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती होगी जो है। कितना मिलता है, कितना मिलता है इनको डीटीसी को? डीटीसी में कितना मिलता है भैया? जी जी भैया 16,750 रुपए के लमसम हमारे आते हैं कट के, 1800 रुपए कट के। मतलब 1800 रुपए कट के, तो पीएफ वगैरह कटता होगा? हाँ जी, ये कटने के बाद हमारे 16,750 रुपए आते हैं। ये कौन देता आपको? ये हमें पैराग्रीन कंपनी देती है जी। अच्छा, और दिल्ली सरकार कितना देती है? सर जो क्या है, कंडक्टर डीटीसी के भी वही काम कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी टिकट फाड़ रहे हैं, बस चला रहे हैं। उनकी क्या है, हमारी उन्हें उनकी कम से कम हमसे 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह फालतू है। हम मांगते हैं तो सर हमें नो ड्यूटी कर दिया जाता है, नो ड्यूटी कर दिया जाता है, हम घर कहाँ से चलाएं, हम डरे सहमे चुप रहते हैं। डीटीसी वाले समान वेतन समान काम मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट भी है 60-70 हज़ार है, उन्हें भी नो ड्यूटी कर दिया जाता है। नो ड्यूटी के बाद सर उसका कोई भी उसका सहायक मदद करता उसे भी कर दिया जाता है। जब तक ऐसी मेजोरिटी नहीं जुटती जैसी अब है, तब तक वो परेशान करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा सर, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर क्लस्टर बस डिपो 12 हैं या 11, जो कितने हैं लगभग? लगभग 11 डिपो हैं। बताया गया कि इससे पहले भी 4 डिपो को बंद किया गया था, तो उन जो चालक और परिचालक थे उनके साथ क्या हुआ? वो ज़्यादातर ये मान लीजिए बेरोजगार हो गए, बेचारे घर बैठे हैं, उसमें से कुछ परसेंट होंगे जो मुश्किल से समायोजित किए गए अदर डिपो में, क्योंकि यहाँ 2 कंपनियाँ कंडक्टरों को हायर कर रही थी, तब उसका कुछ मसला था जो है, SIS था जो है, उसके बाद पैराग्रीन थे, तो उसमें क्या हुआ था जनाब, उसमें 2 कंपनियाँ थी, इन्होंने क्या करा, आधा आधा टेंडर दे दिया। एक कंपनी दिवालिया घोषित होगी, कह रही भाई मेरे पे नहीं रखे जाए, दूसरी कंपनी के पास दे दिए इन्होंने। अच्छा, उस टाइम समय किसी को पता नहीं था कि कंडक्टरों का एकदम से निकालने का होगा, इन्होंने क्या करा, सोची समझी साजिश से क्या करा, 6 महीने में तो ये डिपो बंद कर दिया, बोल दिया भाई 2 महीने बाद बसें आएंगी तुम्हें रख लेंगे वो लोग, कि 2 महीने इधर उधर से अपना जुगाड़ करके और अपना रह लेंगे, आटा चावल कर लेंगे। उनको वो हो गया 6 महीने, फिर दूसरे डिपो वाले 3 महीने में एकदम कर दे, जैसे 6 उन्हें बोला था ना 2 में आपको रोजगार दे देंगे, फिर और 2 में किसी को कर दे, वो ऐसे डिपो बंद हुए, सारों को आश्वासन दे दिया, बस आज आ रही है कल आ रही है, कोरोना वो लग गया, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद मंत्री साहब ने टेंडर पास कर ही दिया, बस फाइल ही आनी है। ऐसे करते लॉलीपॉप करते 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 सर उन्हें 6-7 महीने होगी, और हमारा भी सर हमारे साथ भी यही होता, वो तो एकदम 19 जून को ये हो गया कि सारी डिपो बंद होने लग रही है, तो हम एक दूसरे का सारा का दुख दर्द समझ के हम सारे इकट्ठे हुए, हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहती थी ये, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं ये भी किस्मत की बात है सर, हमने एक दूसरे का सहयोग करा, एक दूसरे की डिपो से बुलाया रिक्वेस्ट कर कर के, क्योंकि ये जो भी कदम उठाएगा फ्रंट का चेहरा बनेगा। मान लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नौकरी से निकालेंगे, मेरा PF निकलवा देंगे, ग्रेजुएटी खा लेंगे, सिक्योरिटी निकाल लेंगे, इनके पास यही गंदे काम आते हैं सर, यही करते हैं एम्प्लॉय के साथ। जी सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के जो चालक और परिचालक हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिलसाद गार्डन और सीमापुरी डिपो के पास। यहाँ पर 2 डिपो चलते हैं, एक दिलसाद गार्डन और दूसरा सीमापुरी, जिसमें तकरीबन 300 बसें यहाँ सर डेली एक शिफ्ट में चलती हैं, और उसमें तकरीबन 600 कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन आज ये बसें जाम हो गई हैं, चक्का जाम हो गया है, और ये लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर आज इन बसों का आवागमन
थम गया है, आवागमन थम गया है। और यहाँ पर बहुत सी बातें भी सामने आई हैं। यहाँ पर सीधी सीधी बात अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर एक चक्रव्यूह भी सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक कंपनी ड्रीम्स के नाम से हायर की है, जो कंपनी सरकार के सहयोग से चलती है। वो कंपनी फिर एक और थर्ड कंपनी को हायर करती है पैराग्रीन के नाम से। तो अब यहाँ पर जो इन कर्मचारियों को रखने का जो खेल है वो पैराग्रीन के माध्यम से किया जाता है। पैराग्रीन इनको हायर करती है और करने के बाद फिर ड्रीम्स कंपनी को हैंडओवर कर देती है, लेकिन ड्रीम्स कंपनी इनको ड्यूटी की गारंटी नहीं देती, क्योंकि ड्यूटी की गारंटी पैराग्रीन देती है। यदि अब इन लोगों को निकाल दिया जाएगा तो अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीटीसी और ड्रीम्स कंपनी की कोई उत्तरदायी नहीं होगी। इसी से घबराकर ये लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ताकि इससे पहले जो 4 डिपो बंद किए गए थे और उसके कई हजार कर्मचारी जो बेरोजगार हो रहे थे, उनके जैसी स्थिति इन कर्मचारियों की ना बन सके, जिसको लेकर आज ये धरने पर हैं। और लगातार इनको भी 19 तारीख तक का अल्टीमेट दे दिया गया है और इनकी एटीएम मशीन को भी बंद कर दिया गया है। मैनुअल तरीके से ये लोग टिकट काट रहे हैं और इनको अपना पूरा का पूरा रोजगार जाने का खतरा इनको बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार और अपने अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, परंतु अभी तक इनकी गुहार किसी डिपार्टमेंट या किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। बल्कि आज हम जब डिपो पर पहुंचे तो डिपो के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद नहीं है, ताकि हम उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सके। इसी खबर पर हमारी लगातार कवरेज बनी रहेगी और आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुलफा।